शुभेंदु अधिकारी ने कुछ देर पहले ही रिजाइन दे दिया एमएलए के पद से, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो होना ही था। इसके पहले भी कई एमएलए टीएमसी छोड़ चुके हैं और हमारे पार्टी में शामिल हुए हैं। लोकसभा के पहले 3 पार्लियामेंट मेंबर रिजाइन करके भाजपा में शामिल हुए थे। रोज हजारों संख्या में टीएमसी छोड़कर के दूसरे पार्टी छोड़कर के बीजेपी में आ रहे हैं, और टीएमसी पार्टी ऐसा है कि वहां रहने का लायक नहीं लोगों का, ना लोकतंत्र है, ना किसी का सम्मान है, ना काम करने का अधिकार है। इसलिए बंगाल में जो परिवर्तन होने जा रही है उसमें जो शामिल होना चाहते हैं, बंगाल के विकास में जो योगदान देना चाहते हैं, वो टीएमसी छोड़ रहे हैं और भाजपा की तरफ आ रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का ये कहा जा रहा है कि अमित शाह जी के आने से बंगाल दौरे के दौरान ही उनका ज्वाइनिंग हो सकता है बीजेपी में, क्या है इस अपडेट? बाजार में ऐसी खबर है, लोगों की भी उम्मीद ऐसी है और घटना की गति प्रकृति उसी तरफ जा रही है। हम इंतजार कर रहे हैं, क्या करेंगे उनके ऊपर है।